जो दे उसका ही भला जो ना दे उसका हो बुरा जो दे उसका ही भला जो ना दे उसका हो बुरा देता हूँ अब तो मेरा बुरा नहीं होगा ना। हाँ नहीं होगा। अरे ये क्या है, सिर्फ 1 रुपया कागज में लपेट के तो ऐसे दे रहा जैसे कि कितने रुपए दे रहा हो। मैं 5 रुपए से कम नहीं लेता। मेरे पास अभी यही है, मैं आपको 4 रुपए बाद में दे दूंगा। क्या बाद में दे दूंगा, सब यही कह देते हैं। ऐसे क्या कह के लोगों पे मेरे लाखों रुपए फंसे हुए हैं। अगर और पैसे तेरे बैंक में है तो मेरे पास स्वाइप मशीन भी है, तेरे ATM कार्ड से ही पैसे काट लूंगा। नहीं मेरे बैंक में भी नहीं है। चल फिर बाद में दे जाइयो, नहीं तो मैं तुझे शराब दे दूंगा। अरे भिखारी बाबा, वो शराब नहीं श्राप होता है। अरे जो मेरे पास होगा वही तो दूंगा। मुझे पता है तू शराब नहीं पीता, मैं तुझे शराब दे के तुझे शराबी बना दूंगा। अरे नहीं मुझे शराबी मत बनाओ, मैं तुम्हें कल तक पक्का दे दूंगा। चल ठीक है, भगवान तेरी जोड़ी सलामत रखे। अरे मेरी तो शादी नहीं हुई है। ओ, तो मैं कौन सी तेरे वाइफ की बात कर रहा हूँ, मैं तो तेरे जूते की जोड़ी की बात कर रहा था। मैंने तो झूठ बोला था कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी तो हो चुकी है। मैंने आपको उल्लू बना दिया। 1 मिनट, मुझे याद आया लगभग 1 साल पहले तू हर रोज यहाँ पे आता था और मुझे हर रोज ही 100 रुपए दे के जाता था। हाँ सही पहचाना, मैं वो ही हूँ। लेकिन तू 100 रुपए तो देता था, फिर धीरे धीरे कम करने लगा और आज तो तूने हद ही कर दी 1 रुपया दे के। वो क्या ना, मैं 100 रुपए जब देता था जब मेरी शादी नहीं हुई थी, फिर मेरी शादी हो गई तो मैं 50 रुपए देने लगा, फिर बच्चे हो गए 25 देने लगा, फिर वो स्कूल जाने लगे, फिर और कम कर दिए मैंने। अरे तो पूरे परिवार का खर्चा मेरे पैसों से ही करेगा, मुझे उतना ही चाहिए, समझा? नहीं अब मैं आपको और ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक लॉटरी का टिकट दूंगा। क्या पता आपकी लॉटरी लग जाए और आप अमीर हो जाओ। लॉटरी का मेरे सामने नाम भी मत लियो। अरे क्यों, नाम क्यों नहीं लूं? ये सब लॉटरी वाले पागल बनाते हैं, कुछ नहीं देते ये। मेरी एक बार 10 लाख की लॉटरी लग गई थी। क्या 10 लाख की? हाँ, लेकिन लॉटरी वाला 5,000 रुपए लेके मुझसे कहने लगा बाकी पैसे 2 हफ्ते बाद मिलेंगे। अच्छा फिर? फिर क्या, मैंने कहा ये पकड़ो अपने 5,000 रुपए, लाओ मेरे लॉटरी के 5 रुपए वापिस दो। फिर दिए उसने मेरे 5 रुपए। अच्छा चलो लॉटरी के तुम्हें पैसे मिल जाते तो उसका क्या करते तुम? मैं एक कार खरीदता, फिर उसमें बैठ के सोने के कटोरे में भीख मांगता। तो तूने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट करी? टाइम नहीं मिल पाता होगा। हाँ आजकल नहीं मिल पाता। अच्छा वैसे आपके हाथ पैर पूरे सलामत हैं, फिर भी आप भीख मांगते हो, तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? तो भाई कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे का कोई धर्म नहीं होता, समझ गया ना? हाँ समझ गया। वैसे आप कितने पैसे कमा लेते हो? अरे यार बेकार काम होता जा रहा है, पहले 10-12 लाख आ जाते थे लेकिन अब सिर्फ 7-8 लाख ही आ पाते हैं। अच्छा 7-8 लाख रुपए महीना कमा लेते हो? अबे क्या बोल रहा है, 7-8 लाख एक दिन का है, 7-8 लाख में क्या होता है आजकल। अरे तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, फिर भी तुम कह रहे थे कि लॉटरी के पैसों से कार खरीदता। हाँ तो मैं लॉटरी के पैसों से ही खरीदता ना, कंजूसी नाम की भी कोई चीज होती है। ये सारे पैसे मैं सिर्फ अपने बिजनेस में लगाता हूँ। अच्छा कौन सा बिजनेस करते हो आप? मैंने कई बिल्डिंगें खरीद रखी हैं, उसके सारे फ्लैट मैंने किराए पे दे रखे हैं। अरे तुम तो वैसे ही इतने अमीर हो, फिर तुम्हें भीख मांगने की क्या जरूरत है? अमीर तो मैं इसी काम से हुआ हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ एक भिखारी ट्रेनिंग सेंटर खोल लूँ, 1 महीने में पूरा करें भिखारी कोर्स। अच्छा तो क्या मैं भी एक कोर्स कर सकता हूँ? अरे तेरी शक्ल तो वैसे ही भिखारी वाली है, मुझे ये कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यानी मेरी जॉब पक्की? अरे ये कोई पूछने की बात है? तो फिर अब मुझे क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना। जो दे उसका ही भला जो ना दे उसका हो बुरा, जो दे उसका ही भला जो ना दे उसका हो बुरा। दोस्तों इस वीडियो पे क्लिक करके देखो हमारी बिहाइंड द सीन वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। दोस्तों मैं भिखारी ट्रेनिंग सेंटर तो जल्दी ही खोल दूंगा, इसके बाद मैं खोलूंगा भिखारी पब्लिक स्कूल।